वेलकम टू एमकास्ट। आज हम लाए हैं आपके लिए एक रियल अर्बन एसयूवी। इसका पूरा नाम है अर्बन क्रूजर हाई राइडर। ये टोयोटा की तरफ से ऑफर की जाने वाली एक परफेक्ट एसयूवी है और ये एसयूवी आपको काफी क्लोज लगेगी ग्रैंड विटारा के। साथ ही टोयोटा ऑफर करती है इसमें पेट्रोल प्लस हाइब्रिड इंजन। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी की, तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पे फ्रंट की बात कर लेते हैं, तो आपको फ्रंट में क्रोम गार्निशिंग मिलने वाली है। काफी प्यारी डिजाइन बनाई गई है सामने की तरफ। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिलने वाली है फ्रंट में और नीचे की तरफ ग्रिल दी हुई है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं और ऊपर की तरफ डे टाइम रनिंग डीआरएल मिल जाएगी आपको, और इसी में ही फॉग लैम्प भी इंटीग्रेटेड है एलईडी में। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कैमरा का सेटअप दिख जाएगा 360 डिग्री कैमरा का। और स्किड प्लेट की बात करें तो आपको यहाँ पे स्किड प्लेट मिलने वाली है ग्रे कलर में। हेडलाइट के चारों तरफ आप क्रोम गार्निशिंग देख रहे हैं, इधर भी आपको क्रोम दिया हुआ, फ्रंट में काफी क्रोम का काम किया हुआ है। तो चलिए साइड की बात कर लेते हैं, तो साइड में आपको विथ काफी अच्छी मिलने वाली है। विथ करीब इस गाड़ी की 1795 mm की है और हाइट है इस गाड़ी की करीब 1645 mm की। व्हील बेस आपको करीब 2600 mm का इसमें मिलने वाला है और लेंथ है इस गाड़ी की करीब 4365 mm और कर्व वेट है इस गाड़ी का करीब 1265 kg से लेकर 1295 kg तक का अकॉर्डिंग टू वेरिएंट जो भी इसके हैं। आगे की तरफ आपको अलॉय व्हील मिलने वाले हैं डायमंड कट शेप में। आपको टायर साइज मिलने वाला है 215/60/17 इंच का। आपको मैसिव अपोलो का टायर मिलने वाला है। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे और पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। सेम साइज का आपको टायर प्रोफाइल रहेगा। साइड मिरर की बात करें तो आपको ये ब्लैकआउट मिलने वाले हैं और नीचे की तरफ आपको 360 डिग्री कैमरा का एक और कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलने वाले हैं एलईडी में। क्रोम में ही यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग भी दिख जाएगी। और गाड़ी कीलेस है तो आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री मिलने वाली है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको हैंडल में मिल जाएगा और ये बॉडी कलर से पेंटेड आपको हैंडल में मिलने वाले इस गाड़ी में। ऊपर आप पिलर्स की बात करें तो आपको पूरे ब्लैक में पिलर्स मिल जाएंगे। सिल्वर कलर में आपको इसकी रूफ रेल मिलने वाली है और डुअल टोन थीम आपको पूरा क्वार्टर पैनल तक मिलेगी। पूरी पियानो फिनिशिंग में आपको ये दी हुई है। हालांकि यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी इसका ब्लैक में ही मिलने वाला है, ग्लॉसी ब्लैक में। और ऊपर आपको साइफन एंटीना मिल जाएगा। यहाँ पीछे की बात कर लेते हो, आपको यहाँ पे एलईडी टेल लैम्प का सेटअप देखने को मिल जाएगा स्टॉप लैम्प में आपको, और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाएगी आपको एलईडी में ही। और नीचे आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इसका रियर वाइपर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको थोड़ी जानी पहचानी सी डिजाइन देखने को मिलेगी ग्रैंड विटारा की तरह। सेम आपको यहाँ पे इसका टेल लैम्प मिलने वाला है। इसमें आपको टर्न इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग का बल्ब हैलोजन में ही मिलेगा और नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। दो पार्किंग रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें और पीछे की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग का कैमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक एलईडी बल्ब भी देखने को मिल जाएगा नाइट विजन के लिए। पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे स्किड प्लेट मिलने वाली है सिल्वर कलर में। पेट्रोल टैंक आपको लेफ्ट साइड मिलने वाला है इस गाड़ी में और ऊपर की तरफ आपको पैनारोमिक सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। फील काफ़ी गजब का आने वाला है इस गाड़ी में भी। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये ग्रैंड विटारा है या फिर हाइब्रिड है, फर्क ही नहीं पड़ेगा इस गाड़ी से। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और दिखाते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर भी देखने को मिल जाएगा। ब्लैक एंड ब्राउन का ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलने वाले हैं कि पावर विंडोज के और डोर लॉक अनलॉक वगैरह के। मिरर एडजस्टमेंट की भी बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे आपको सिल्वर टच फिर से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोम में ही इसके हैंडल दिए हुए हैं और नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर वगैरह देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टफ रखने की भी जगह मिल जाएगी। ड्राइवर साइड आपको हाइट एडजस्टमेंट और गाड़ी डिक्लाइन वगैरह करने के भी ऑप्शन दिया हुआ। तो ये है टोयोटा हाई राइडर का इंटीरियर। इस गाड़ी में आपको काफी लग्जरी और काफी स्पेशियस इंटीरियर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल साथ एसी मिल जाएगी और ऊपर की तरफ आपको पियानो टच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा की तरह के ही हेजार्ड लाइट भी दी हुई है। सेम मे भी कह सकते हैं कि ग्रैंड विटारा की तरह के ही इसका इंटीरियर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पूरा लेदर टच मिलने वाला है ब्राउन कलर में और यहाँ पे स्टिचिंग भी काफी प्यारी दी हुई है व्हाइट कलर में। ये टच जो है वो भी सेम ही दिया हुआ है ग्रैंड विटारा की तरीके। यहाँ पे आपको सिल्वर टच मिलने वाला है और ऊपर आपको यहाँ पे एयरबैग भी देखने को मिल जाएगा। एसी वेंट्स के चारों तरफ आपको पियानो टच देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर में। यहाँ ये गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक के गियर देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको ट्रैक्शन बटन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ स्टोरेज का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का
चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको यूएसबी पिन भी देखने को मिल जाएगी। वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे ही देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और पैसेंजर साइड डोर में आपको सिर्फ पावर बटन देखने को मिलेगी और नीचे आपको बॉटल होल्डर वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्पीकर की प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको डोर हैंडल वगैरह देखने को मिल जाएंगे क्रोम में, और ऊपर आपको सिल्वर में ही इसके टचेस देखने को मिल जाएंगे। लेदर टच आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी आपको मिल जाएगा। 10.25 इंच का आपको इसमें टच स्क्रीन पैनल मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ टच सेंसिटिव बटने देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको कुछ ड्राइविंग बोर्ड मिल जाएंगे और यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। फ्रंट की ही दोनों सीटें आपको वेंटिलेटेड मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आपको स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें। और ऊपर आपको आरवीएम ऑटो डिमिंग के साथ मिलेगा। यहाँ पे आपको इंटीरियर लाइट की बटने दी हुई है। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। और सबसे कूल फीचर है इसका सनरूफ काफी बड़ी आपको पैनोरामिक मिलने वाली है और यहाँ पे आपको उसके कंट्रोल मिल जाएंगे। सनसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर के साथ सनसेट मिलने वाला है। दोनों तरफ आपको वैनिटी मिरर मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको ग्रिप हैंडल वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड डोर में कॉर्नर की तरफ आपको ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और ये इसका पावर स्टीयरिंग। यहाँ पे आपको काफी सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आपको इस साइड देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप मोड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको हेडलाइट एडजस्टमेंट के कंट्रोल मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको वाइपर्स के सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा की तरीके पावर बटन दी हुई है। ब्लू कलर ये हाइब्रिड होने के आइडेंटिफाई कर रही है और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है इसके चारों तरफ। लेदर टच आपको इस साइड भी देखने को मिल जाएगा और ऊपर आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे ड्राइवर साइड के। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत और कंट्रोल मिल जाएंगे, हेड्सअप डिस्प्ले और हेडलाइट एडजस्टमेंट के लेवलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये 360 डिग्री कैमरा का आपको व्यू होने वाला है कुछ इस तरीके से। काफी सारी चीजें यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी, हाइब्रिड वगैरह का एनर्जी कैसे जनरेट होती है वो सब चीजें आपको इस डिस्प्ले में दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ चलिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पूरा पैनल डिजिटल मिलने वाला है। काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है यहाँ पे, ट्रिप वगैरह की मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलने वाला है, इको पावर और चार्जिंग तीनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको फ्यूल वगैरह की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको टाइम टेम्परेचर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको गियर की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हैंडब्रेक लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको पार्किंग मोड भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हेडसअप डिस्प्ले आपको कुछ यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलने वाली है, ये यहाँ से इसी बटन से। चलिए चलते हैं इसके पीछे की तरफ, पीछे भी देख लेते हैं कि कितना स्पेस मिल रहा है आपको गाड़ी में। उसके बाद हम इसके इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम वही डुअल टोन थीम मिलने वाली है पीछे की तरफ, और यहाँ पे आपको सीटें वेंटिलेटेड नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको तीन लोगों के लिए काफी अच्छा स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको थर्ड रो में, मिडिल रो में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा और प्लस आप इसको थर्ड रो की तरह भी यूज कर सकते हैं, और बीच में आपको दो कप होल्डर भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको एसी वेंट्स मिलने वाले हैं और चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है यूएसबी में। अच्छा खासा लेग रूम भी आपको मिल जाएगा, हेड रूम भी आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इंटीरियर की लाइट मिल जाएगी एलईडी में ही, दोनों तरफ मिलने वाली है ये, और ये ग्रिप हैंडल आपको दिए हुए हैं डोर्स के ऊपर। सीट बेल्ट बहुत अच्छी जगह प्लेस करी हुई है, ऊपर की तरफ आपको सीट बेल्ट प्लेस करी हुई है मिडल रो के लिए। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलने वाली है, पिलर्स में ही आपको एयरबैग के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सीटें आपको हेडरेस में एडजस्टेबल मिलेंगी, पांचों सीटें आपको एडजस्टेबल हेडरेस मिलने वाली है। यहाँ पे आपको पॉकेट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी दोनों ही सीटों में। बॉटल होल्डर वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएंगे और नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। सनरूफ काफी बड़ी आपको मिलने वाली है, पैनोरामिक सनरूफ रहेगी, जब खुल जाती है तो व्यू काफी तगड़ा आने वाला है इस गाड़ी में। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके इंजन के बारे में, उसकी पावर के बारे में बात कर लेते हैं। ये है टोयोटा हाइलाइटर का इंजन, ये स्मार्ट स्ट्रीम G1.5 इंजन इसको बोलते हैं, और ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसमें आपको 1497 क्यूबिक कैपेसिटी मिलने वाली है। 113 हॉर्स पावर जनरेट करता है हाइब्रिड होने के बावजूद। इसमें टॉर्क थोड़ा आपको कम मिलने वाला है एक एसयूवी के अकॉर्डिंग। इसमें आपको 144 एनएम का सिर्फ टॉर्क मिलने वाला है, और ये चार सिलेंडर का इंजन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चार सिलेंडर का इंजन है। इसमें आपको गेयर बॉक्स मिलने वाला है, वो IVT है।
ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, आपको पावर की कमी तो नहीं लगेगी आपको, लेकिन सिर्फ इनिशियल टॉर्क में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगने वाली है। लेकिन आपको ये हाइब्रिड है तो आपको माइलेज वगैरह उसके कंपैरिजन में प्लस माइनस थोड़ा सा चल सकता है, आपको माइलेज अच्छा मिल जाएगा इस गाड़ी में। साथ ही आपको 113 bhp मिलने वाली है इस गाड़ी में। चलिए आपको हम थोड़ा सा इसका बूट स्पेस भी चेक करवा लेते हैं। ये वन टच ओपन आपको बूट मिलने वाला है इसमें। तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे ऊपर की तरफ मिलने वाली है और नीचे की तरफ आपको काफ़ी स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे एक्चुअली बैटरी पैक लगी हुई है तो थोड़ा सा आपको कम स्पेस मिलेगा, लेकिन फिर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पे आपको टूल्स वगैरह रखने की जगह दे दी है। फिर भी आपको करीब 450 liter का इसमें आपको बूट मिलने वाला है, बूट स्पेस। और यहाँ पे आपको एक नाइट के लिए बल्ब भी दे दिया हुआ है। कंपनी आपको पूरा ख्याल रख रही है, कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है, चाहे वो जैसी भी गाड़ी बनाए। और नीचे आपको, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका स्टेपनी कहाँ लगी है। स्टेपनी आपको सबसे नीचे की तरफ स्कॉर्पियो के जैसे फिट करी हुई है, यहाँ पे आपको स्टेपनी प्लेस मिल जाएगी। यहाँ पे इसमें आपको लेकिन अलॉय व्हील नहीं मिलने वाला, इसमें आपको स्टील व्हील ही मिलेगा। अब इसके थोड़ा प्राइसिंग की बात कर लेते हैं हम, तो ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम 16 lakh रुपए में मिलने वाली है। RTO इंश्योरेंस सब लगा के आपको ये गाड़ी ऑन रोड करीब 18 या 18.5 lakh की मिल जाएगी, अकॉर्डिंग टू आपका रीजन, जो भी आपका रीजन में हो। की का डिजाइन आपको पूरा ग्रैंड विटारा के ही तरह मिलने वाला है, बस आपको यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर ये चेंज हो जाए तो आप इसको ग्रैंड विटारा ही बोल दीजिए। तो ये थी आज की हमारी गाड़ी, काफ़ी अच्छी मैसिव आपको SUV मिलने वाली है 18 lakh रुपए में, प्लस ये हाइब्रिड है। आपको अलॉयज वगैरह लगा के फ्रंट में आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिलने वाली है, 360 degree कैमरा मिलने वाला है, साउंड इन्वायरमेंट बढ़िया मिलने वाला है। ऊपर की तरफ आपको मोटे मोटे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सनरूफ मिलने वाली है पैनारोमिक वो भी, और सामने की तरफ आपको डे टाइम रनिंग DRL मिलने वाले हैं। काफी अच्छा लुक भी मिलने वाला है, ग्रैंड विटारा से काफी हटके लुक है, करना चाहते हैं तो लोग ग्रैंड विटारा का नाम इसके साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन उससे काफी अच्छी गाड़ी है ये। तो ये थी आज की हमारी गाड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग OEM Glass। थैंक यू।